हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और अभी हम ये डिस्कशन करेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की पीजी एडमिशंस की लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी और उसके बेस पर 2022 में अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर पीजी में एडमिशंस लेना चाहते हैं तो उसकी क्या कट ऑफ रहेगी, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं किसके ऊपर, जेएनयू के ऊपर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के ऊपर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ऊपर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के ऊपर और बीएचयू के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं या जो लोग ये एडमिशन लेना चाह रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो लोग वो वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो लिंक को फॉलो कर वो लेक्चर देख वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की, वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैंने यहाँ पर लिस्ट लगाई हुई है, दोनों लिस्ट और एक और है, तो ये है 2018 की कट ऑफ है भाई, है ना। मेरे पास जो ये डेटा है ये है 2018 का, 2018 का डेटा है। दूसरी चीज़ क्या होगी कि ये जितने भी यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 42, 40.5, 31.75, 21.75, ये सारे के सारे क्या है, स्कोर परसेंटाइल में है, है ना। तो दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो क्या है कि ये जो डेटा है ये 2018 का है पहला, दूसरा ये जितने भी स्कोर है ये परसेंटाइल है। तो इस परसेंटाइल के बेस पर आप अगर आपका जो स्कोर आया है उसके अंदर स्कोर के साथ मार्क्स के साथ परसेंटाइल आई है तो उसके अंदर हिसाब से आइडिया लगा लेना, या मैं एक एस्टिमेटेड कट ऑफ यहाँ पर बताऊंगा आपको, अगर उतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो उस हिसाब से आप देख लेना कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके अलावा मैंने एक वीडियो पहले ये भी बनाया था कि जिन लोगों के स्कोर 150 से कम है, जिन भी लोगों के नंबर 150-130 से नंबर कम हैं तो उनको कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है, कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। कई लोगों के आज भी ये कमेंट आते हैं कि हमें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया था। फिलहाल पंजाब वाली बात कर लेते हैं, नहीं तो आप गालियाँ बकनी चालू कर दोगे मेरे को। तो सबसे पहले बात कर लें एमएससी फिजिक्स की। तो एमएससी फिजिक्स की अगर बात करें तो जो ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी है उसमें जो परसेंटाइल थी वो 42, ओबीसी के अंदर परसेंटाइल 40.5, एससी के अंदर 31.75 और एसटी के अंदर 21.75। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ईडब्ल्यूएस वाली भी, जो कई लोग कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस वाली जो कट ऑफ है वो भी आप बताया करिए, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से 5 या 6 नंबर बढ़ा के उतनी कंसिडर कर लिया करो, अगर मैं नहीं भी बताऊँ तो वो अंदाज़ा आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे बात करें कि 42 परसेंटाइल थी, 40.5 परसेंटाइल थी, 30.75 परसेंटाइल थी, तो इस परसेंटाइल के हिसाब से अगर अपन आइडिया लगाने जाए कि कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए पंजाब में एडमिशन के लिए, तो यहाँ जो कट ऑफ है वो वेरी करेगा 160 से और कहाँ तक, 190 तक, है ना। 190 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 185 तक, 160 से 185 तक आपके पास फिजिक्स में जनरल में इतना स्कोर है तो आप इजीली एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 160 से फिर और भी नीचे उतर जाओ, 155 ले लो इसको, तो 155 से 185 के बीच का स्कोर है तो सेफर साइड में हो। ओबीसी में अगर बात कर लें तो इससे 10 नंबर कम लेके आ जाओ, 10 नंबर कम यानी कि 15 नंबर कम लेके आ जाओ, 140 के ऊपर यदि आपके स्कोर है, 140 के आसपास स्कोर है तो आप ओबीसी में एमएससी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। EWS की बात करें तो मैंने कहा 5 नंबर ऊपर मान लो तो 145 के आसपास। SC की बात करें तो OBC से 5 नंबर और कम कर लो यानी कि 135 और कम कर लो, 2 नंबर 133 के आसपास यदि आपके नंबर हैं फिजिक्स के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं पंजाब में। ST में SC से भी 10 नंबर कम कर लो तो इसको 120 ले लो, तो 120 नंबर आपके ST में आ रहे हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, फिजिक्स के लिए, ठीक है। फिर लाइफ साइंस की मैं बात करूँ, देखो भाई लाइफ साइंस के लिए मैंने अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एनालिसिस किए हैं तो उनमें लाइफ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जा रही है। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो लाइफ साइंस के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, है ना, या पेपर बहुत सिंपल आ रहा है, तो ये दो कारण ही मेरे को समझ में आते हैं। तो लाइफ साइंस के लिए तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर परसेंटाइल की बात कर लूँ तो 43.25 है जनरल में, 39.5 है ओबीसी में, एससी के अंदर है 32 और एसटी के अंदर है 35.75, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि एससी की एसटी की कट ऑफ इतनी चली जाएगी, तो ये सारी परसेंटाइल है,
नंबर की बात करें कि मार्क्स आपको कितने चाहिए, तो मैंने कहा लाइफ साइंस में जो नंबर है वो ज़्यादा चाहिए आपको। लाइफ साइंस के अंदर अगर नंबर लेके चलें तो यहाँ इसको सीधा सीधा लो आप, 165 नंबर से लो, 165 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप लाइफ साइंस में, ये कौन सी है स्पेशल है, प्लांट साइंस के अंदर आप एडमिशन का सोच सकते हैं। इसी तरह से ओबीसी में बात करूँ तो ओबीसी में अगर आपके पास 155 प्लस है ना, और ईडब्ल्यूएस में बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में 160 प्लस। इसी तरह से एससी में बात करूँ तो एससी में इसको आप लेके चलो 145 प्लस, और एसटी में बात करूँ तो इसको लेके चलो 135 प्लस। लाइफ साइंस में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देखोगे वहाँ पर आपको यही हाल मिलेंगे, चाहे वो साउथ बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, इवन जेएनयू, बीएचयू, यहाँ तो बहुत ज़्यादा जा रही है, यहाँ तो 240-40 नंबरों पे खेल हो रहा है, मतलब 240 नंबरों पे भी बच्चों को मुश्किल ही लग रहा है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। सेम कहानी होती है ईडब्ल्यूएस के एनवायरमेंटल की, एनवायरमेंटल लाइफ साइंस ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर एमएससी वाले, जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। तो एनवायरमेंटल साइंस में भी सेम कहानी रहेगी, यहाँ पर 170 प्लस आप मान के चलो किसकी, जनरल की। ओबीसी की आप वही लेके चलो 160, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 165। अगर उसके बाद एससी की बात करें तो एससी की आप लेके चलो 145 या 150 लो, और अगर एसटी की बात करें तो एसटी की आप लेके चलो 135 के आसपास, ठीक है। जियोलॉजी, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी और जो ज्योग्राफी है यहाँ पर भी जो कट ऑफ है हमेशा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो इनका अगर तीनों का एक साथ मैं प्रिडिक्ट करूं, तो सबसे पहले जियोलॉजी और ज्योग्राफी का अगर मैं लिखूं यहाँ पर कट ऑफ, तो यहाँ पर 170 प्लस, 175 प्लस अगर नंबर हैं जियोलॉजी और ज्योग्राफी में तो आप सोच सकते हैं एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। ओबीसी में यदि आपके पास 170 प्लस मार्क्स हैं या 165 प्लस मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में कितने होंगे, 170। अगर मैं एससी की बात कर लेता हूँ तो एससी के केस में क्या होगा, आपके पास यदि 150 प्लस मार्क्स हैं तो आप इन दोनों कोर्सेज में सोचना अप्लाई करने की। एसटी के मैं बात करूँ तो 140 प्लस, ठीक। पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर आपको परसेंटाइल कम दिख रहा होगा, परंतु मार्क्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस के वो भी इनके आसपास ही घूमते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ है वो किसी भी यूनिवर्सिटी की उठा के देखना वो हमेशा ज़्यादा जाती है। फिर बात कर लेते हैं किसकी, एमएससी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री और एमएससी फिजिक्स। तो एमएससी फिजिक्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स की इसकी परसेंटाइल कम है और इसका स्कोर भी जो है वो लगभग कम ही जाएगा। ये जाएगा आपका करीबन कितना, ये जाएगा आपका 140-150 से चालू हो जाएगा, ये 150 प्लस यहाँ पर, और एमएससी केमिस्ट्री ये कंप्यूटेशनल वाली ये भी लगभग 150 प्लस पे आपको मिलना स्टार्ट हो सकती है। ओबीसी में ये परसेंटाइल है, ये परसेंटाइल ज़्यादा नहीं गई है, तो ये परसेंटाइल है, तो परसेंटाइल का मतलब यहाँ पर ये ओबीसी के केस में होगी 140 प्लस, ये भी होगी कितनी, 140 प्लस। एससी के केस में होगी 130 प्लस, और ये भी 130 प्लस, इस तरह से। लाइफ साइंस अगर बायो इन्फॉर्मेटिक कोर्स में लेना है तो वही जो लाइफ साइंस है उसकी तो सेम कट ऑफ पकड़ के चलो यार आप, 175 प्लस, यहाँ पर 160 प्लस, यहाँ पर 155 प्लस, और ये 140 प्लस। मैथमेटिक्स की बात कर ले, मैथमेटिक्स के अंदर अगर कट ऑफ की हम बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ जानी चाहिए मैथमेटिक्स की वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 160 प्लस जनरल में। फिर उसके बाद ओबीसी में बात करें तो 150 प्लस, अगर एससी कैटेगरी में बात करें तो ये होगी 140 प्लस या 135 प्लस, ओ ये एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में अगर बात करें तो ये 125 प्लस होगी यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में आप मैथमेटिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। उसके बाद जो रिमेनिंग कोर्सेज है कौन से, लाइफ साइंस की मैं बार बार बात नहीं करूँगा, सभी में लगभग सेम कट ऑफ जा रही है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 175 प्लस जनरल में। ओबीसी के अंदर अगर बात करें तो 165 प्लस, अगर एससी की बात करें तो एससी में 150 प्लस, और अगर एसटी की बात करें तो एसटी में 140 प्लस। इतनी कट ऑफ मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है। लाइफ साइंस की फिर से मैं बात करूँ वही सेम कहानी, लाइफ साइंस केमिस्ट्री की अगर बात कर लें, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केमिस्ट्री की जो कट ऑफ है वो फिजिक्स से ज़्यादा है, यानी कि 175 प्लस, तो किस में, जनरल में। ओबीसी में अगर हम बात करें तो ओबीसी में 160 प्लस, अगर हम एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में 150 प्लस, और ओबीसी एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में ये 125 प्लस, ठीक है। हिस्ट्री एक रह जाता है, हिस्ट्री के अंदर
हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर। यहाँ पर तीनों जगह जो कट ऑफ है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के केस में बात करूँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी के केस में अगर जनरल में आपको हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी इनमें जाना है तो 160 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना होना चाहिए, 145 प्लस। अगर एससी की बात करें तो ये होना चाहिए 135 प्लस, और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये 125 प्लस स्कोर होना चाहिए। ये जो कट ऑफ एनालिसिस था ये पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए था। होपफुली ये जो एनालिसिस है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। इसके पहले भी मैंने जो लगभग 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ के एनालिसिस किए हैं वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल होंगे। मैंने सुबह भी बताया था कि जो करेक्शन विंडो है उसकी लास्ट डेट है आज, और 11:50 तक का टाइम है, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। कई लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि जो फ़ी वाला लिंक है, फ़ी वाला बटन है, वो काम नहीं कर रहा है या एडिट का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो ये सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है कि जो NTA है वो डेट को आगे एक्सटेंड भी कर दे। मैंने उसका सॉल्यूशन भी बताया था कि दूसरे ब्राउज़र में चला के देख लो, अगर दूसरे ब्राउज़र में चलाने से भी नहीं हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यही पॉसिबल लगता है कि NTA उसकी डेट को क्या करने वाला है, एक्सटेंड करने वाला है। कई यूनिवर्सिटीज़ के जो काउंसलिंग या के जो शेड्यूल है वो आ गया है, एडमिशन प्रोसेस का शेड्यूल आ गया है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि तेजपुर का कल से स्टार्ट हो गया है, कर्नाटका का 3 अक्टूबर से स्टार्ट है, बाकी धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज़ के आ जाएंगे। तो आपके जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं एडमिशन के लिए उनको बनवा लीजिए। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो उसको प्रोसेस में ले आइए, यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो उसको प्रोसेस में ले आइए। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं और मैं ये होप करता हूँ कि अक्टूबर में एडमिशन जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपकी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।